So hello guys, Fallen is here, back again with another video. Which is the best placement for your joystick and which is the best size of your joystick? तो वीडियो एंड तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. लेट्स मूव टू द टॉपिक. तो पहले हम जॉयस्टिक के प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे. आपको कंट्रोल्स में आने के बाद कस्टमाइज करने के बाद जॉयस्टिक है उसको ट्रांसपेरेंट जीरो करना है. जीरो करने के बाद आपका गेम ओपन करना है. आप देख सकते हैं जो मेरा थंब है वो जो वाइट स्पॉट है वहाँ टच हो रहा है और मेरा जॉयस्टिक लेफ्ट साइड में है. आपको डिटेक्ट करना है कि आपका अंगूठा कहाँ जाता है स्क्रीन पर और आपको अपनी जॉयस्टिक उस जगह प्लेस करनी है. तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी मूवमेंट है जॉयस्टिक जो पहले से स्मूथ और कंट्रोलेबल हो गई है. तो ये मेरी पहली मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं थी. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है अपनी जॉयस्टिक की साइज़. बहुत लोगों को लगता है कि जॉयस्टिक साइज बड़ी होने से आपकी मूवमेंट फास्ट होगी. तो देखते हैं क्या होता है. इसमें अपने अंगूठे को ज़्यादा लेफ्ट और राइट मूव करना पड़ रहा है. यह जॉयस्टिक साइज़ चाइनीज़ प्लेयर ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो परफेक्ट रहता है बट मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है. अगर आपका अंगूठा बड़ा है तो आप यह यूज़ कर सकते हैं. मैंने साइज़ 57 रखा है. हम रखेंगे जॉयस्टिक साइज़ स्मॉल और देखेंगे क्या होता है. तो आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो स्मूथ है और आपको अंगूठे को ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ रहा. ज़्यादातर बंदे स्मॉल साइज़ ही प्रेफर करते हैं. तो मेरे हिसाब से आपकी साइज़ 50-80 के दरमियान होनी चाहिए. आप सब साइज़ ट्राई कीजिए और जहाँ आपकी मूवमेंट अच्छी आ रही है वो सेट कीजिए, उस मूवमेंट को मास्टर कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे प्लेइंग, कीप ग्रोइंग. I don't wanna be dope, baby make your booty go.